हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बल्क में स्टॉक कैसे अपडेट करें जियो मार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जियो मार्ट पे तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो पूरी जानकारी के लिए इसको एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है sellerjiomart.com। जैसे आप लॉग इन कर लेते हो वहाँ पे आपको सेकेंड टैब दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स वहाँ पे डाउन एरो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो फर्स्ट ही ऑप्शन दिखाई देगा माय ऑफरिंग, वहां पे भी डाउन एरो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो एक लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा बल्क अपलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, वहां पे फर्स्ट ही ऑप्शन है बल्क डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आपको क्या करना है। तो हमें करना है इन्वेंट्री अपडेट, तो हम इन्वेंट्री फीड को चूज कर लेंगे। जैसे हम चूज करते हैं ना तो यहाँ पे जो फाइल है ना वो डाउनलोड के लिए रेडी है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये फाइल मेरे पास आ जाएगा और इसे हमने ओपन करोगे ना आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन्वेंट्री एसक्यू है ना, यहाँ पे जितनी भी आपकी लिस्टिंग लाइव होगी ना वो सारे इन्वेंट्री एसक्यू यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे उसका करंट स्टॉक होगा अवेलेबल क्वान्टिटी। तो यहाँ पे आप जो आपका करंट स्टॉक होगा ना वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अगर एक दो कैटलॉग है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा है 1000, 2000, 3000 तो आपको वीलुकअप करके कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि वीलुकअप कैसे लगाते हैं तो इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उससे आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने स्टॉक यहाँ पे अपडेट कर दिया है। उसके बाद फाइल को सेव कर लेना है, तो जियो मार्ट का जो सेलर पैनल है ना वो फिर से लॉग इन कर लेना है। जिसे हम लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको आना है बल्क अपलोड, तो यहाँ पे आपको फाइल चूज कर लेना है इन्वेंट्री फीड फाइल। तो जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो फाइल हमने सेव किया है ना, जो जिसमें हमने स्टॉक अपडेट किया है वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड जैसे आप फाइल करोगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद आपको जो पता करना है कि फाइल जो हमने अपलोड किया है, स्टॉक अपडेट किया है, उसका स्टेटस क्या है। तो ये जो आप टेप देख रहे हो ना अपलोड फिट्स प्रोग्रेस, वहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो ना तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।